तो हाय फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पुचू को पार्वो वायरस हो गया था, तब का फुटेज है। आज मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए खून वाली पॉटी और वोमेटिंग ये कर रहा है। अपने पॉटी देखिए कि किस टाइप का पॉटी उसने कर रखा है। और ये देखिए ब्लड आ रहा है इसके वोमेटिंग से, देखिए मतलब खूनी दस्त और उल्टी हो रही है इसको। और इसको पार्वो वायरस का अटैक हो चुका है। तो इससे मैंने अपने डॉग को कैसे बचाया, उसी बारे में वीडियो है। वीडियो आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। आप देख सकते हैं किस टाइप का पॉटी कर रखा है। हाय फ्रेंड्स, मैं अमित और ये मेरा पूछू जिसको पार्वो वायरस हो चुका था। मैंने वीडियो अपलोड किया था कि इसको पार्वो वायरस हो चुका है और ये कैसे ठीक होती है उसके बारे में वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं उसी बारे में उसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। पार्वो होने के पहले आप क्या करें कि कैसे पता करें आपके डॉग को पार्वो होने वाला है या अभी उसका पार्वो का अटैक हो चुका है ऑलरेडी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका डॉग सही से खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है। पार्वो होने के 2-3 दिन पहले से आपका डॉग खाना खाना बिल्कुल बंद कर देगा धीरे धीरे, ठीक है। और उसको पानी की प्यास बहुत लगेगी, क्योंकि जब पार्वो वायरस का अटैक होता है तब पानी का बहुत उसको मतलब प्यास बहुत लगती है। बॉडी डिहाइड्रेशन में चला जाता है, धीरे धीरे डिहाइड्रेशन होने लगती है आपके डॉग को। तो उस टाइम पे वो पानी पीने के लिए बहुत चाव होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप उसको पानी मत डालिए। आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। अगर ऐसा हो चुका है कि पार्वो वायरस का अटैक हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला और अचानक से उसको खून वाली उल्टी या पॉटी होना स्टार्ट हो गई है। हर खून वाली उल्टी या पॉटी पार्वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर पार्वो होता है तो उसका जो मालूम आपको पड़े, कैसे आप पता करें, जब वो वोमेटिंग करेगा या पॉटी करेगा तो उसमें से बहुत स्मेल आएगा, बहुत गंदा स्मेल आएगा, ठीक है। बहुत बदबू आएगी उससे, पॉटी से भी और वोमेटिंग से, उल्टी से भी, ठीक है। तो उस टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं, आप जोफर MD टैबलेट एक होता है वोमेटिंग रोकने के लिए, वो आप अपने पेट्स को दे सकते हैं उस टाइम पे जब वो वोमेटिंग कर रही है या पॉटी कर रही है। उस टाइम पे आप एक गैस की दवा और जोफर दे सकते हैं उसको, ठीक है। और तब तक आप अपने डॉक्टर को कॉल कर लीजिए। अगर आपका डॉक्टर तब तक आ जाता है तो सही है, कुछ देर के लिए कंट्रोल में रख सकता है वो टेबलेट जो मैंने बताई है जोफर, वो कुछ देर के लिए आपके डॉग को कंट्रोल में रख सकता है। वैसे तो जब पार्वो हो जाता है तो वोमेटिंग ऑटोमेटिक होने ही लगती है, जो भी आप खिलाए वोमेटिंग कर देगा, पानी पिलाए वोमेटिंग कर देगा, कुछ भी उसके पेट में नहीं रहेगा। तो जल्दी से अपने डॉक्टर को बुलवाएं, स्लाइन चढ़ाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम उसको लगी है। स्लाइन चढ़ाएं उसको जल्दी से, उसके अंदर जोफर का लिक्विड जो होता है वो भी पुश कर देगा स्लाइन में, गैस का जो होता है वो भी पुश कर देगा, वो सारे जो भी मेडिसिंस होते हैं वो स्लाइन के अंदर पुश करके डॉग पे चढ़ा दिया जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, धीरज आपको रखना है, आपका डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने डॉक्टर को बताइए कि उसको स्लाइन ठीक ठाक और उसका मेडिसिन ठीक ठाक दे। बहुत से टाइम पे बहुत सारे वेट डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर आपका पेट तकलीफ़ में है और वो उसका फ़ायदा भी लूट लेते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है और मेरे सामने भी बहुत सारे डॉग ऐसे मर चुके हैं कि गलत ट्रीटमेंट के वजह से हो चुका था पार्वो और गलत ट्रीटमेंट कर दिया, ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन डाल दिया तो बच्चे की मौत हो गई, हाँ डेथ हो गई पेट्स की। तो पार्वो जब हो जाए अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, और अगर आपका डॉक्टर सही से उसका ट्रीटमेंट करता है तो 100 में से 80% आपका डॉग बच जाता है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आपने अगर वीडियो मेरी पहले देखी होगी तो आपको पता है कि मेरे डॉग को किस टाइप की वोमेटिंग और पॉटी हो रही थी कि मैं खुद डर गया था, इतना स्मेल आ रहा था और मेरे डॉग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो मेरा जो वेट था, मेरा जो डॉक्टर था वो एकदम सुपर डॉक्टर था, उसने अच्छे से मेरे डॉग का ट्रीटमेंट किया और मेरा देख सकते हैं आपके सामने एकदम सही हो चुका है। वीडियो में कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि पार्वो के ऊपर वीडियो बनाओ, तो टाइम मुझे मिलता नहीं है तो इसलिए मैं बना नहीं पाता हूँ। तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो ताकि मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर सकूँ। पार्वो होने से पहले आपका डॉग कुछ खाता नहीं है, धीरे धीरे खाना छोड़ देता है और उल्टे होके सोए रहता है या उसका सोने का ढंग थोड़ा चेंज हो जाता है, ऐसा होता है मेरे डॉग के साथ हुआ था।
तो अच्छे से डॉक्टर का आप सलाह लें, अच्छे से डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें। आप इधर उधर की बातें सुन के कोई भी मेडिसिन अपने डॉग को मत खिलाएं, क्योंकि उस टाइम पे आप कोई रिस्क ना लें तो ही अच्छा है आपके डॉग के लिए। धीरज रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपका डॉग 100% सही हो जाएगा। बहुत से लोगों पे देखा गया है कि बहुत लोगों का डॉग जो है 7-8 दिन तक पार्वो से लड़ा है और फिर भी वो सही है अभी, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी पूचू एकदम सही है, बहुत सही है मेरी पूचू, और देखिए बहुत क्यूट भी है। जब आपके डॉग को पार्वो का अटैक हो चुका है और वो धीरे धीरे रिपेयर हो रही है, उस टाइम पे आपको क्या करना है कि उसको ज़्यादा रिच वाला खाना नहीं डालना है। डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा धीरज रखें और अपने डॉग को साफ सुथरा रखें। जब पार्वो हो जाता है तब वो वोमिटिंग करती है, पॉटी करती है, तो बहुत से टाइम पे उसके बॉडी पे, फर पे ना पॉटी वगैरह लग जाता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको नहला देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, पानी से दूर रखना है अपने डॉग को। स्प्रे जो होता है नाई की दुकान पे, हम लोगों का बाल वाल काटता है ना, उसके दुकान पे जो वाला स्प्रे होता है, वही स्प्रे में थोड़ा सा पानी डाल के आप उसके पॉटी फॉटी जो भी है उसके ऊपर स्प्रे करके आप टॉवल से पोंछ लीजिए। उसका ध्यान रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, 100% आपका डॉग पार्वो से रिलीव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बस आपको धीरज रखना है और उसकी अच्छे से देखभाल करनी है। इस टाइम पे आपको सही से उसकी देखभाल करनी है, स्लाइन टाइम टू टाइम सुबह शाम चलाना है या एक टाइम चलाए, वो आपके डॉक्टर के ऊपर है कि वो कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक से ट्रीटमेंट करेगा तो 100% आपका डॉग ठीक हो जाएगा। पार्वो बहुत से टाइम पे 7-8 दिन तक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। मेरा जो डॉग है इसको, ये पहले 2-3 दिन खाना बंद कर दिया इसने, उसके बाद 4-5 दिन तो इसको कुछ भी नहीं मिला खाने को, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, स्लाइन चल रहा था, इसको कुछ खाना नहीं डालना है, तो मैंने नहीं डाला। फिर ये सही हो चुकी धीरे धीरे। जब ये सही हो जाए तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा चिकन अंडा वंडा कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा क्वांटिटी में डालना है, हल्का वाला खाना डालना है ताकि इसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि ये बीमारी से अभी ठीक हुई है, अभी रिपेयर हुई है, तो इसको थोड़ा हल्का हल्का खाना 5-7 दिन आप डालें। डालने के बाद ये पूरा जब सही हो जाए उसके बाद आप इसको फिर इसके जितना क्वांटिटी में आप पहले खाना डालते थे उस क्वांटिटी में आप खाना डालें। ठीक ठाक टाइम पे लीवर टॉनिक का यूज़ करवाएं, टाइम टू टाइम डिवार्मिंग का यूज़ करवाएं, नहलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से टाइम पे आप अगर अपने डॉग को सही टाइम पे नहीं नहलाते हैं, नहीं डिवार्मिंग करवाते हैं, लीवर टॉनिक का यूज़ नहीं करवाते हैं और गंदा खाना उसको खिला देते हैं, बहुत से टाइम पे बाहर जाता है, दूसरे डॉग्स का, स्ट्रीट डॉग का पॉटी वगैरह सूंघता है, तो उससे भी डिजीज आ सकते हैं, उससे भी पार्वो का अटैक हो सकता है। तो मैंने सारी बातें डिटेल्स में बता दिए। मैं आपको मेडिसिन्स के बारे में सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर ने मना करके रखा है कि मेडिसिन्स ना बताएं। बहुत सारे लोग वीडियो देख के मेडिसिन्स खुद ब खुद चला लेते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सा प्रॉब्लम डॉग्स को हो जाता है और उस वजह से बहुत सारे पेट्स भी मारे जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला, मेडिसिन्स के नाम आपको नहीं बताऊँगा, मैं इतना ही बताऊँगा कि आप ध्यान रखें अच्छे से ताकि पार्वो ना हो। गर्मी का टाइम है और एक बात का आपको ध्यान में रखना है, गर्मी का टाइम चल रहा है, जितना हो सके उसको ORS पिलाएं, ठंडे पानी में मत पिलाएं, मतलब एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम पानी में उसको ORS दें। ORS अगर वो नहीं पीना चाहता है, आप सिरिंस ला सकते हैं, सिरिंस 20 ml का सिरिंस आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाएगा, तो सिरिंस में खींच के आप उसके मुँह पर थोड़ा थोड़ा सा करके ORS पिलाएं दिन में, गर्मी का मौसम है, थोड़ा ठंडे जगह पे रखें, ज़्यादा ठंडे में ना रखें। अगर हस्की, सैनबर्नार्ड ये सब है और अगर उसको आपने छोटे से एसी वगैरह में रख कर रखा है तो उसकी बात अलग है। अगर आप नॉर्मल फैमिली से हैं, मतलब हमारे घर पे जैसे पंखे पे ये लोग रहते हैं और नेट का जो केज है उसके अंदर हम इनको रखते हैं, मेरे घर के अंदर भी खुला छोड़ देते हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप भी अपने पेट्स का ध्यान रखें और सही से ध्यान रखेंगे, उनकी सही देखभाल करेंगे तो 100% चांसेस हैं कि पार्वो वायरस का अटैक ना हो, और अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप धीरज रखें, उसका सही से ट्रीटमेंट करें, अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करें, 100% आपका डॉग सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।